नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली के जो समर्पित भक्त हैं वो जानते हैं और अनुभव करते हैं कि माँ की कृपा, माँ की ऊर्जा सदैव उनके साथ रहती है। जिस घर में माँ की पूजा होती है उस घर में माँ की शक्ति, उनकी ऊर्जा वास करती है और माँ हमेशा अपने भक्तों के बिगड़े कार्य संवारती है। लेकिन कई बार अपने प्रारब्ध की वजह से या किसी अन्य दोष की वजह से कभी कभी माँ की कृपा का भक्त अनुभव नहीं कर पाते हैं। हालांकि माँ की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बरसती है, लेकिन ऐसे में माँ की कृपा व्यक्ति को प्रत्यक्ष नजर नहीं आती और माँ की भक्ति से न जाने कितने पाप, कितने नकारात्मक ऊर्जाएं, कितने कष्ट, कितने प्रारब्ध एक व्यक्ति के कटते हैं, ये व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। और ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि माँ पुकार नहीं सुन रही है। तो आपके संग भी दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके जीवन में, ऐसी कोई समस्या है जो कट नहीं रही है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावी उपाय बता रही हूँ माँ की कृपा को प्राप्त करने का, जिसका प्रभाव अकाट्य है, अचूक है। तो इस उपाय को जरूर करें दोस्तों, माँ की कृपा अवश्य आपके ऊपर बरसेगी और आपके बिगड़े काम जरूर बनेंगे। तो जानते हैं उस उपाय के बारे में। उपाय के बारे में बताने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूँ, माँ के सभी भक्तों से, कि इस प्रयोग में जो सामग्री चाहिए उसमें जो सर्वप्रथम आवश्यक सामग्री है वो ये है कि जो आपकी पुकार माँ के लिए हो उसमें माँ के लिए तड़प होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। माँ को जब भी पुकारो माँ उसका उत्तर अवश्य देती है, बस पुकार शिद्दत के संग होनी चाहिए, व्याकुलता से, तड़प के साथ होनी चाहिए। माँ बस तू ही है, तेरे अलावा और कोई नहीं। जब ये भाव एक भक्त के अंदर पैदा होता है तो माँ अवश्य पुकार सुनती है। और साथ ही मन शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा कितनी भी पूजा अर्चना आप कर लें, कितने भी प्रयोग कर लें, लाभ होना कठिन है। तो आइए अब जानते हैं प्रयोग के बारे में। किसी भी शनिवार को आप इस उपाय को करेंगे, सुबह कर सकते हैं या शाम के समय कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे जरूरी सामग्री है कि आपको नीम के पत्ते, नीम के पेड़ के पत्ते आपको चाहिए। पत्ते आपके कटफटे नहीं होने चाहिए, छिद्र वाले नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नीम के पत्तों की आपको माला बनानी है माँ के लिए। सर्वप्रथम जो भी पत्ते आप लाए हैं तो उसको आप गंगा जल से साफ कर लें, गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल से साफ कर लें। माला को बनाने के लिए आप मौली का प्रयोग कर सकते हैं या काले धागे का प्रयोग कर सकते हैं। धागा बहुत पतला ना हो, मजबूत हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सुई धागे का प्रयोग ना करें माला बनाने में, बल्कि नीम के पत्तों के पीछे की जो टहनी होती है उसे धागे पर आपको बांधना है, कलावे पर या जो काला धागा आपने लिया है उस पर इन टहनियों को आपको बांधना है और तब माला आपको बनानी है। नीम के पत्तों की माला तैयार कैसे करनी है इसका एक डेमोंस्ट्रेशन हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख लें ध्यान से और अपनी माला तैयार कर लें। तो सबसे पहले इसके लिए जो चाहिए आपको, नीम के पत्ते चाहिए। नीम के पत्तों को आप सबसे पहले साफ कर लें, चाहे गंगा जल के छींटे उसमें देके उसे कपड़े से पोंछ लें या पानी से साफ कर लें, अगर गंगा जल नहीं है शुद्ध जल से साफ कर लें। उसके बाद इस तरह से आपको नीम के पत्तों को इनकी टहनी से निकालना है, ये देखिए इस तरह से एक साथ निकल जाएंगे। अगर इस तरह से नहीं संभव हो पा रहा है तो आप एक एक पत्ता अलग करके भी इसकी टहनी से निकाल सकते हैं। अब आप एक थ्रेड ले लें, ये देखिए ये कलावा है, आप काले रंग का थ्रेड भी ले सकते हैं, थ्रेड बहुत पतला ना हो और मजबूत हो, पतला भी हो तो मजबूत हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको तीन पत्ते लेने हैं, ये देखिए ये नीम के तीन पत्ते इस तरह से आपने लिए, एक के ऊपर एक रखा, अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है आपको, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड किया, अब इस थ्रेड को दो लपेटे इस थ्रेड के आपको इस पत्ते के दोनों चारों तरफ देने हैं, इस तरह से आपने लपेटा दिया। अब दो लपेटे देने के बाद इस थ्रेड को इस तरह से अपनी उंगलियों में नॉट बना लेनी है, देखिए थ्रेड से उंगलियों में इस तरह से नॉट बनाई और इस पत्ते के ऊपर इस तरह से नॉट को डाल के थ्रेड को खींच देना है, धागे को खींच देना है। ये देखिए पत्ता यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब एक बार और करते हैं, ये तीन पत्ते लिए, अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, इस तरह से धागे में रखा, धागे की दो फेरे इस पत्ते के चारों तरफ लिए, तीसरी बार में इस तरह से उंगलियों में नॉट बनानी है, इस तरह से देखिए ये नॉट बनाई, पत्ते के ऊपर इस तरह से डालकर धागे को खींच दिया तो ये जो पत्ता है वहाँ पर फिक्स हो गया है।
फिर से देखिए इस तरह से किया, यहाँ पर लगाया, दो लपेटे लिए, इस तरह से आपने थ्रेड को उंगलियों में लिया, ऐसा नॉट को इधर डाल के ये देखिए ये कर लिया। तो इस तरह से ये माला आपकी तैयार हो जाएगी। माला की लंबाई जिस जहाँ माँ की मूर्ति में आप पहना रहे हैं उसकी लंबाई को ध्यान में रखते हुए आप माला बना सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे थ्रेड में ही आप पत्ते लगाएं, जितना आपसे संभव हो सके सामर्थ्य अनुसार आप पत्ते उस थ्रेड में लगा सकते हैं। माला बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं और ये बहुत ईजी तरीका है, तो इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ईजी है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको सामग्री चाहिए, एक काला कपड़ा आपको लेना है, बहुत छोटा ना हो या बहुत बड़ा ना हो, सवा मुट्ठी चावल और सवा मुट्ठी काली उड़द, जो काली साबुत उड़द की दाल होती है, वो आपको इस कपड़े के अंदर आपको रखनी है। कपड़ा नया हो, पहले प्रयोग नहीं किया गया हो, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अन्य सामग्री आपको चाहिए, एक काला कपड़ा आपको चाहिए, कपड़ा नया हो, पहले प्रयोग नहीं किया गया हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो कपड़ा और बहुत छोटा भी ना हो। उस कपड़े के अंदर सवा मुट्ठी चावल और सवा मुट्ठी काली साबुत उड़द की दाल आपको डाल देनी है। अब स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें, नीम के पत्तों की माला आप तैयार कर लें और उस माला को अपने घर के मंदिर में आपको रखना है। घर के मंदिर में अगर जगह नहीं है तो मंदिर के आसपास कोई भी स्थान को साफ करके उस पर लकड़ी की चौकी रख लें। उस चौकी पर एक पात्र के ऊपर किसी प्लेट के ऊपर आप इस माला को रख सकते हैं। इसके अलावा जो काला कपड़ा आपने लिया है, सवा मुट्ठी चावल और सवा मुट्ठी काली साबुत उड़द जिसके अंदर डाली है, उस काले कपड़े को भी आप उस चौकी के ऊपर मंदिर के पास या मंदिर के अंदर अगर जगह है तो आप रख सकते हैं। अब जो भी आपका नित्य का पाठ है उसे आप करें, माँ का पूजन करें, धूप दीप पुष्प आदि माँ को अर्पित करें, भोग माँ को अर्पित करें और काली सहस्र नाम का पाठ आपको करना है। काली सहस्र नाम का जब आपका पाठ कर रहे हैं तो दाएं हाथ में थोड़े अक्षत और दो साबुत फूल वाली लौंग आपको रख लेनी है और मुट्ठी बांध लें और काली सहस्र नाम का पाठ आपको संपूर्ण करना है। और ध्यान रहे, जब तक आपका काली सहस्र नाम का पाठ संपूर्ण होता है तो दाई हथेली पर आपको अक्षत और दो साबुत लौंग रखनी है और उसकी मुट्ठी बांध कर आपको रखनी है। अब जब पाठ आपका संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद लौंग और चावल जो आप अपने दाएं हाथ में लिए हुए हैं उसको एक पात्र में रख दें या एक कागज पर आपको रख देना है। अब जब आप काली सहस्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो दाएं हथेली पर, दाएं मुट्ठी पर जो आपके लौंग और चावल हैं, तो उस दाएं हथेली को अपने सर के ऊपर से क्लॉक वाइज 7 बार आपको घुमाना है और एक कागज पर या किसी पात्र पर उस चावल और लौंग को, दो लौंग को आपको रख देना है। अब नीम की माला को माँ के चरणों में आपको अर्पित करना है और इस मंत्र का 21 बार जप करना है। मंत्र मैं उच्चारण कर रही हूँ, ध्यान से सुने। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। तो इस मंत्र का 21 बार आपको जप करना है। नीम की माला आपने अपने घर के मंदिर में माँ के चरणों में अर्पित कर दी है तो वहीं पर आपको काले कपड़े में सवा मुट्ठी चावल और सवा मुट्ठी काली उड़द की जो दाल है काले कपड़े के सहित वो माँ के चरणों में आपको अर्पित करनी है। माँ से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी परेशानी है उसके निवारण के लिए माँ से प्रार्थना करें। जिस अभीष्ट के लिए, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आपने ये प्रयोग कर रहे हैं आप, उसकी सिद्धि के लिए, उस कार्य की सिद्धि के लिए और हर प्रकार की रुकावट को दूर करने के लिए माँ से आपको प्रार्थना करनी है। और दोस्तों, ये उपाय आपको 3 शनिवार को करना है, बहुत प्रभावी उपाय है। नीम की माला माँ को सर्वाधिक प्रिय है और नीम के पेड़ पर स्वयं शक्ति का, माँ काली का वास होता है। नीम के पत्तों की ये माला 3 शनिवार माँ को अर्पित करनी है और जब आप घर के मंदिर में अर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आपके घर के पास जो भी देवालय है, जो भी मंदिर है, वहाँ जाकर आपको इस माला को और ये जो सामग्री है काले कपड़े में बनी हुई, इसको उस मंदिर में जाकर, माँ के मंदिर में जाकर आपको माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है। साथ ही दोस्तों, अपना आचरण आप शुद्ध रखें और रात्रि को सोते समय भी माँ के मंत्रों का और जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसका निरंतर जप करें।
आजकल तो शयन कक्ष में वैसे भी टीवी होता है, तो रात्रि में मोस्टली लोग टीवी देखते देखते ही ज़्यादातर शयन करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी उपाय को प्रभावी बनाने के लिए उस पर पूरा आपका फोकस होना चाहिए। रोज रात्रि में सोते समय माँ के मंत्रों का जप करें और सर्वभदा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद् वैरी विनाशनम सोते समय इसका जप करें। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, नींद खुलती है, तो मानसिक जप आप इस मंत्र का फिर से 21 बार करें। तो इस प्रकार से आपको निरंतर माँ के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। और इस प्रयोग में जो काली सहस्रनाम का पाठ करते हुए आपने अपने हाथ में चावल और लौंग लिए थे, उसको आप बाद में अपने घर के गमले में डाल दें, या अगर घर में कोई गमला वगैरह नहीं है तो बाहर किसी वृक्ष के नीचे मिट्टी को खोद कर उसको आपको दबा लेना है। ये भी आपको 3 शनिवार लगातार करना है, ये साथ में ये प्रयोग भी। तो दोस्तों जरूर करें इस उपाय को, माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।